हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब के एक नए ब्लॉग में। और गाइज, आज हम आपको दिखाएंगे जयप्रकाश विश्वविद्यालय। बहुत सारे स्टूडेंटों के पता नहीं है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय है कहाँ, तो आज मैं उनको भी बताऊंगा कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय है कहाँ और कैसे जाया जाता है। और हमारी जर्नी आपका स्टार्ट होगा राजेंद्र कॉलेज के मेन गेट से, यानी गुदरी के पास से जर्नी हमारी स्टार्ट होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तो हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे और कैसे कैसे आना है वो आपको पूरी जानकारी देंगे। जाने में कितना देर लगेगा, आप कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को पता भी नहीं है कि आपका जेपी यूनिवर्सिटी है कहाँ, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा और कैसा है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ और चलते हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की ओर। जैसे कि गाइस देखिए, हम हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है आपका राजेंद्र कॉलेज के मेन गेट से उसके, तो देखिए हम चल दिए अभी भगवान बाजार के रास्ते की ओर जा रहे हैं। और ये हमें करीब जाने में 15 से 20 मिनट लगेगा, और ज़्यादा अगर जाम नहीं मिला तो 15 से 20 मिनट लग जाएगा, नहीं तो जाम मिलेगा तो कुछ ज़्यादा ही समय लगेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको पूरी रास्ता दिखाएंगे कैसे आना है कैसे नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं कि आपका जयप्रकाश विश्वविद्यालय है कहाँ और कैसे जाए, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। और ये है आपका छापरा का झील, गाइड आपको दिखा रहे हैं, ये है आपका छापरा का झील। तो देखिए काफ़ी बड़ा छपरा का झील है, और पहले इसकी हाइट कम थी और कुछ दिनों पहले इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ाई गई, करीब आपके 2 फीट 2.5 फीट इसके और दीवार को ऊंचा किया गया। तो पहले इसका हाइट काफ़ी छोटा था हमारे छपरा का झील का, तो अब उसका हाइट ज़्यादा कर दिया गया है। और देखिए हम इधर काफ़ी थोड़ी ट्रैफिक की समस्या है गाइस, क्योंकि खाली जगह है नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये है गाइस आपका दरोगा राय चौक, तो देखिए हम दरोगा राय चौक पे चले आए हैं और डाक बंगला रोड होते हुए जाएंगे, डीएम आवास होते हुए हम जाएंगे। वो देखिए अभी जैसे इधर देखिए, फिर इधर झील का दीवारों का निर्माण अभी यहाँ पर किया जा रहा है गाइस। ये देखिए पहले से आप देख सकते हैं बिल्कुल, वो देखिए देखिए आपका जेल का दीवारों का निर्माण अभी किया जा रहा है। और हम चले आए हैं आपका सदर अस्पताल के पास, देखिए ये है आपका सदर अस्पताल। और यहाँ से फिर हम सीधे जा रहे हैं सदर अस्पताल से, सीधे जा रहे हैं डाक बंगला रोड होते हुए आपका डीएम आवास होते हुए हम निकलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम लोग पूरी फुल डिटेल्स देने वाले हैं, हम किस रास्ते को फॉलो करते हुए जाने वाले हैं, आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और जयप्रकाश विश्वविद्यालय में आपका छापरा, सिवान और गोपालगंज के स्टूडेंट आते हैं, और जो छापरा के हैं तो उनको तो मालूम है कि आपका जयप्रकाश विश्वविद्यालय है कहाँ। और जो भी व्यक्ति सिवान, गोपालगंज या अदर डिस्ट्रिक्ट के आते हैं तो उनको नहीं पता है। तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो कभी जेपी यूनिवर्सिटी गए नहीं हैं, तो उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये देखिए मैं डीएम आवास के पास चला आया, ये है आपका डीएम आवास, यहाँ पर देखिएगा, तो ये है आपका डीएम आवास। और गाइस ये देखिए हम चले हैं आपका थाना चौक, ये देखिए आपका ये थाना चौक का टावर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका रास्ता जाता है सामने देखिएगा तो हथुआ जाता है, और ये यहाँ से हम घूम गए आपका म्यूनसिपल्टी चौक के रास्ते हुए जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बताया था कि म्यूनसिपल्टी चौक के रास्ते हुए मैं जाऊँगा, तो ये देखिए हम म्यूनसिपल्टी चौक के रास्ते हुए निकल गए हैं। और गाइस शुक्रगुजार कर मनाइए कि हमें ट्रैफिक की समस्या नहीं मिली, नहीं तो ट्रैफिक की समस्या से आजकल छपरा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है, क्योंकि डे बाय डे एग्जाम चल रहा है बीए का, तो ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का उठाना पड़ा है ट्रैफिक की समस्या को लेकर। तो शुक्रगुजार मनाइए कि हम लोग को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना नहीं पड़ा, और देखते हैं और आगे ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी और शहर से मेन शहर से हमें और आगे निकलना है। तो ये हम करीब म्यूनसिपल्टी चौक वाले रूट पे हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा आपका म्यूनसिपल्टी चौक, आप ये देखिए, और यहाँ से आपका इधर डबल डेकर का निर्माण किया जा रहा है, भारत का जो सबसे लंबा डबल डेकर है। और ये देखिए अभी डबल डेकर का निर्माण के लिए कितना विकास यहाँ का विरोध हो गया है। और ये देखिए हम चल रहे हैं आपका
का ढाला वाला रास्ता जो आपका मुश्किल से चलते सीधा आपका दक्षिण दिशा में जाता है, तो वो आपका हम चल दिए हैं। और हम चले हैं आपका योगिनिया कोठी के दुर्गा मंदिर के पास, और हम जा रहे हैं आपका कचहरी वाला रोड ही है। जैसे कि यहाँ से ही हमारा सामने से अपना सारा ढाला का फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, और इसी के जस्ट फ्लाईओवर के जस्ट बगल में आपका छपरा कचहरी स्टेशन है। तो दिखाते हैं छपरा का एकमात्र पहला आपका फ्लाईओवर मिलेगा जो हम आपको दिखाएंगे, जो आपका सारा ढाला के पास बनाया गया है, सारा ढाला के रेलवे क्रॉसिंग के पास बनाया गया है, तो वो हम आपको दिखाएंगे फ्लाईओवर। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं छपरा का फ्लाईओवर। नीचे क्या देख सकते हैं, ये आपका रेलवे कचहरी है, ये देखिए आपका कचहरी है, और कचहरी के जस्ट पास में ही आपका बना है, ये देखिए सामने आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा, छपरा का पहला आपका फ्लाईओवर है ये यहाँ पे, शहर का छपरा शहर का फ्लाईओवर है ये। और इसी के रास्ते हम फॉलो करते हुए जाएंगे आपका जेपी यूनिवर्सिटी। तो पहले बात तो ये आपका फ्लाईओवर का लुत्फ उठाइए, अगर कोई भी व्यक्ति आए तो जेपी यूनिवर्सिटी जाना चाहता है तो आपका फ्लाईओवर के रास्ते से वहीं जाएगा, बाइक से आए या ऑटो वाले से भी जाए तो आपका फ्लाईओवर होते हुए आपको ले जाएगा। ये देखिए फ्लाईओवर, और ये फ्लाईओवर का सामने का नजारा ये देखिए। तो ये फ्लाईओवर का नजारा, तो चलिए हम फ्लाईओवर शुरू करते हैं और आगे चलते हैं, तो आगे बताएंगे रास्ता कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहे हैं, तो दिखाएंगे हम आपको पूरी वीडियो में जानकारी, तो बने रहिएगा। और गाइस ये देखिए हम चले हैं आपका बाईपास के करीब, जो बाजार से मिलने वाला रास्ता है वहाँ चले आए हैं, और ये देखिए हमारे जो हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में ये बस जा रहा है। तो हम जा रहे हैं आपका छपरा बाईपास से होते हुए जा रहे हैं, जो आपका पटना वाला रास्ता जाता है, जो छपरा होते हुए बस पटना ले जाता है, तो उसी के रास्ते हुए हम जा रहे हैं, जो आपका ये रोड आपका जाके आगे चल के नेवाजी टोला निकलेगा, और नेवाजी टोला चौक से आपका गारखा निकलेगा, और वहाँ से फिर आपका गांधी चौक निकलेगा। तो हम उसी के रास्ता को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो और ये है आपका छपरा की जो छोटी लाइन जाता है, आपका छपरा होते मढ़ावड़ा जाता है, मसरक जाता है, वो उसका ढाला है ये। तो ये है आपका छपरा का छोटी लाइन का ढाला, तो ढाला को हम निकले भाई क्रॉस कर दिए, और ये आपका छपरा मढ़ावड़ा का जो छोटी लाइन का मेन रेलवे लाइन था ढाला, तो ये उसका ढाला है, और बढ़ते हम आगे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि हम चले हैं आपका नेवाजी टोला चौक पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका नेवाजी टोला चौक है, और यहाँ से आपका ये रास्ता जो जाने वाला है आपका गारखा जाएगा, और ये आपका सामने जो मैं जा रहा हूँ जिस रास्ते से ये आपका जाएगा पटना चला जाता है। फिलहाल के लिए अभी इस रूट को बंद किया गया है क्योंकि पटना सब गारखा का रास्ता होते हुए जा रहा है। तो ये है आपका जेपी यूनिवर्सिटी जाने वाला रास्ता, नेवाजी टोला से सीधे अब आ रहा है सारा ढाला होते हुए, तो आपको सीधे जाना है क्योंकि कहीं घूमना नहीं है आपको, तो इसी के रास्ते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हम चले हैं आपका जेपी यूनिवर्सिटी के पास, ये देख सकते हैं आप, ये है आपका जेपी यूनिवर्सिटी, आपका ये मेन आपका गेट लगा हुआ है जेपी यूनिवर्सिटी का, आप यहाँ से हम लोग करने वाले हैं एंट्री। तो ये है आपका छपरा का एकमात्र यूनिवर्सिटी आपका जेपी यूनिवर्सिटी, और जेपी यूनिवर्सिटी के हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और ये देखिए अंदर का नज़ारा। गाइस मैं आपको बता दूँ इस जेपी यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ बनाए नहीं गए हैं। आपको इधर देखिएगा तो आपको सगरों पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं, और जेपी यूनिवर्सिटी के पीछे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है। तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता था क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज का कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको जेपी यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा दूंगा। तो हम अभी चलिए, देखिए आपको सामने दिख रहा होगा आपका जेपी यूनिवर्सिटी, तो बने रहिएगा हमारे
ब्लॉग में, और हम आपको जब पी यूनिवर्सिटी अच्छे से दिखाएंगे। और ये देखिए ए जे पी यूनिवर्सिटी के उसके आसपास के इलाके कितना खाली है आपका जे पी यूनिवर्सिटी का। और गाइस आप जब चाहे जब आ सकते हैं, इसमें नहीं है कि सोमवार मंगल जो भी बंद होता है ना कि इस दिन की यूनिवर्सिटी बंद है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब काम पड़े जब आ सकते हैं। तो ये देखिए इधर के आसपास इलाके जे पी यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी ज़्यादा है। और ये है आपका हेलीपैड बनाया गया है, यहाँ पे जो भी आते हैं व्यक्ति बड़े बड़े नेता तो आपका हेलीकॉप्टर द्वारा यहीं पर उतारा जाता है। और ये सामने हम आ गए हैं जे पी यूनिवर्सिटी के पास गाइस, बस कुछ देर की बात है दिखाएंगे। ये देखिए आपका जे पी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा व्यक्ति, तो हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो नहीं देखे हैं। ये है छपरा का एकमात्र यूनिवर्सिटी आपका जे पी यूनिवर्सिटी। तो ये देखिए आपका जे पी यूनिवर्सिटी है वहाँ। तो गए हम चले आए हैं जे पी यूनिवर्सिटी के पास, और जे पी यूनिवर्सिटी में हमें उठाना है बी ए का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने डिग्री सर्टिफिकेट उठा लिया था, लास्ट मेरा बचा हुआ आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए हमने कुछ दिन पहले, करीब 1 से 2 महीना पहले हम एक ऑनलाइन पेमेंट किए थे, इसका चालान कटवाए थे। और यहाँ पर आके जब डिग्री सर्टिफिकेट उठाने के लिए आए थे तो जमा किए थे, तो हमें टाइम मिला था कि 1 महीने के बाद आइए। 1 महीने के बाद तो नहीं, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट 1 हफ्ते के बाद मिल जाता है, लेकिन हम 1 महीने के बाद आ रहे हैं। तो आज उठाने के लिए आए हैं और बताएंगे आपको कि कहाँ मिलता है, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तो हम आपको चलिए चलते हैं, जाते हैं आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। गाइज मैं आपको बता दें कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करके आपको लाना पड़ेगा, एक जमा करने के बाद आपको 1 महीने के बाद मिलेगा। और आपका काउंटर नंबर डिग्री सर्टिफिकेट उठाने के लिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट उठाने के लिए आपका यूनिवर्सिटी के थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, और गेट नंबर 4 से आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि गेट नंबर 4 ही के पास मिलता है। तो हम चलिए आपको दिखाएंगे। तो गाइज इधर ही देखिए आपका ये इधर काउंटर नंबर आपका 4 पे ही आपका डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी होता है यहाँ पे ही मिलता है। तो जैसे कि गाइज मैं आपको बताया था कि हम आए थे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट उठाने के लिए, तो ये देखिए हम अपने 2015 से 2018 का जो सेशन था वो जे पी यूनिवर्सिटी का, हमने वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट उठा लिए हैं। और ये करीब हम 10-15 दिन पहले जमा किए थे सर्टिफिकेट उठाने के लिए, तो 10-15 दिन पहले जमा किए थे, इसके पहले हम आके डिग्री सर्टिफिकेट उठा लिए, तो बस 1 महीना हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट रह गया था उठाने के लिए, तो बच गया था। तो इस बार हम अपने डॉक्यूमेंट्स उठा लिए हैं यूनिवर्सिटी से, और आपका यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का रास्ता, जैसे कि गाइज अब देखिएगा ये सामने है अंदर, तो हम फिलहाल चल रहे हैं, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। तो गाइज अब हम चले आए हैं जे पी यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका जे पी यूनिवर्सिटी के अंदर का नज़ारा है। गाइज मैंने ये वीडियो काफ़ी मुश्किल से बनाया, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई बड़े बड़े जगह या संस्था में जाने पर वहाँ बिना परमिशन के वीडियो बना नहीं सकते, लेकिन हम तो यहाँ से परमिशन लिए नहीं थे, लेकिन किसी भी तरफ फ़ोन को हाइड करके हमने वहाँ का ये वीडियो शूट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखिए जे पी यूनिवर्सिटी के आपका अंदर के नज़ारे हैं। अभी बहुत सारे लोग स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए थे, उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम था, तो ये देखिए अभी ऊपर बिल्डिंग बनाया जाएगा, यहाँ पर छोड़ा गया है। तो ये है आपका जे पी यूनिवर्सिटी के अंदर का नज़ारा गाइज, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा कि जे पी यूनिवर्सिटी का अंदर क्या है, बाहर का नज़ारा क्या है, तो वो मैंने आपको दिखाया अंदर और बाहर का नज़ारा। तो देखिए गाइज, तो ये है जो भी व्यक्ति नहीं देखे थे आपका जे पी यूनिवर्सिटी, तो ये देखिए आपका जे पी यूनिवर्सिटी है, और ये है हमारा छपरा का एकमात्र इंस्टीट्यूट आपका जयप्रकाश विश्वविद्यालय। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपने कामों के लेकर हुए, और ये देखिए वहाँ के आसपास इलाके हैं। तो ये है हमारा जेपी, हमने आपको जयप्रकाश विश्वविद्यालय दिखा दिया और वहाँ के आसपास इलाके भी दिखा दिए, ये देखिए हमने आसपास इलाके भी आपको दिखा रहे हैं। तो गाइज ये था हमारा जेपी यूनिवर्सिटी का आज का जर्नी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये जे पी यूनिवर्सिटी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, जो भी आपकी ओपिनियन है आपका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो कैसा रहा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हम आज की जर्नी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।